नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित की जा रही है। चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत के खाते में 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया है। पहला गोल्ड ज्योति याराजी ने जीता है। उन्होंने गुरुवार को महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में पहला स्थान हासिल कर इस चैंपियनशिप में भारत का पहला गोल्ड दिलाया। ज्योति ने ये कीर्तिमान बस 13.09 सेकंड में रचा है। ज्योति के नाम महिला 100 मीटर हर्डल रेस में 12.82 सेकंड का राष्ट्रीय रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड ज्योति ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अक्टूबर 2022 में बनाया था। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप बैंकॉक में चल रही है। चैंपियनशिप का समापन 16 जुलाई को होगा। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के लिए रवाना हुए, वैसे ही यूरोपीय संसद ने बुधवार को मणिपुर हिंसा पर एक प्रस्ताव को अपना लिया और कहा यह भाजपा पार्टी के प्रमुख सदस्यों के द्वारा की गई राष्ट्रवादी बयानबाजी की कड़े शब्दों में निंदा करता है। हालांकि मणिपुर को लेकर भारत सरकार ने जवाब में कहा है कि यह मामला पूरी तरह से आंतरिक है। फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में चल रहे पूर्ण सत्र के दौरान मानव अधिकारों, लोकतंत्र और कानून के शासन के उल्लंघन के मामलों पर बहस के लिए मणिपुर में जातीय झड़पों पर बहस को संसद के एजेंडे में शामिल किया गया है। मणिपुर की स्थिति पर यूरोपीय संसद के प्रस्ताव में यूरोपीय संघ से भारत के साथ अपने संबंधों के केंद्र में मानवीय अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को रखने का आह्वान किया गया है। मणिपुर में हिंसा, जानमाल की हानि और संपत्ति के विनाश की निंदा करते हुए यूरोपीय संघ की संसद ने अपने प्रस्ताव में कहा कि ये भाजपा के प्रमुख सदस्यों द्वारा तैनात राष्ट्रवादी बयानबाजी की सबसे मजबूत शब्दों में निंदा करती है। मणिपुर हिंसा पर यूरोपीय संसद में प्रस्ताव को लेकर भारत कह चुका है कि ये मुद्दा पूरी तरह से आंतरिक है। वहीं यूरोपीय संघ की संसद ने देश के परिस्थितियों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि अल्पसंख्यकों, नागरिक समाज, मानवाधिकारों रक्षकों और पत्रकारों को नियमित रूप से उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जबकि महिलाओं को विशेष रूप से यौन हिंसा और उत्पीड़न सहित आदिवासी और धार्मिक पृष्ठभूमि से संबंधित गंभीर चुनौतियों और उनके अधिकारों के उल्लंघन का सामना करना पड़ता है। प्रस्ताव में बताया गया है कि अक्टूबर 2020 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त ने भारत से मानवाधिकार रक्षकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की थी। नागरिक समाज के लिए कम होती जगह पर चिंता जताई थी और मानवाधिकार संगठनों द्वारा भाजपा के विरोध में विभाजनकारी जातीय राष्ट्रवादी नीतियों के आरोपों पर ध्यान दिया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि हिंसा के नवीनतम दौर में मानवाधिकार समूहों ने मणिपुर और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार पर विभाजनकारी जातीय राष्ट्रवादी नीतियों को लागू करने का आरोप लगाया, जो विशेष धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करती है। बिहार की राजधानी पटना में आज राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। पहले विधानसभा में बवाल हुआ, फिर सड़क पर बीजेपी ने आज गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालने की कोशिश की, जिस दौरान पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया और पानी की बौछार भी छोड़ी। इस दौरान बीजेपी का कहना है कि पार्टी के नेता विजय कुमार सिन्हा की लाठीचार्ज में मौत हो गई। आरोप है कि वो लाठीचार्ज में घायल हो गए थे। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सबसे दुखद तो ये है कि हमारा एक कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह की मृत्यु हो गई। वो जहानाबाद का जिला महामंत्री था। पुलिस ने इतनी बुरी तरह से पिटाई की, अस्पताल पहुंचते पहुंचते उसकी मौत हो गई। हम पुलिस पर हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे। 2 दर्जन से ज़्यादा पार्टी कार्यकर्ता घायल हुए हैं। बता दें, बिहार लोक सेवा आयोग के जरिए शिक्षकों की होने वाली बहाली और बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की इजाज़त देने के खिलाफ पटना में बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। बिहार में शिक्षक भर्ती और तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो लोग 10 लाख नौकरी की बात पूछ रहे हैं, वो ये बताएं कि कौन सा ऐसा राज्य है जहां 3 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी का विज्ञापन निकाला गया हो। हम तो कह ही रहे हैं कि हम अपने शासनकाल में 10 लाख नौकरी देने का वादा पूरा करेंगे, लेकिन बीजेपी 2 करोड़ नौकरी का हिसाब दे, महंगाई का हिसाब दे। तेजस्वी बोले, बीजेपी बेकार का हुड़दंग कर रही है। 18 साल तक सरकार में कौन था? ये तो महागठबंधन की सरकार बनी तो बहाली निकाली गई। कोई छोटी मोटी शिकायत होगी तो हम संवाद कर रहे हैं, जो उनकी शिकायत होगी सुनेंगे। इस बीच बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी अस्पताल जाकर बीजेपी के घायल कार्यकर्ताओं से भी मिले। सम्राट चौधरी ने कहा कि बीजेपी आज के दिन को काला दिवस के तौर पर मनाती है।
समान नागरिक संहिता यानी UCC पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता केवल मुसलमान पुरुषों के लिए ही काम करते हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस नेता मुसलमान महिलाओं का दुख नहीं समझ रहे हैं, वो बस मुसलमान पुरुषों के लिए काम करते हैं। सवालिया लहजे में शर्मा ने कहा, क्या कांग्रेस का कोई नेता अपनी बेटी ऐसे पुरुष को देगा जिनकी पहले से ही दो बीबियां हों। उन्होंने ये भी कहा कि UCC एक ऐसा मामला है जिस पर संसद को फैसला लेना है। उन्होंने कहा कि जाहिर सी बात है कि उसमें राज्यों की भी भागीदारी रहेगी। क्या प्रधानमंत्री की छवि चमकाने में सरकारी विज्ञापनों के मद का पैसा अकेले पीएम मोदी की छवि पर खर्च किया जा रहा है? कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज ट्वीट किए दस्तावेजों के जरिए एक गंभीर आरोप लगाया है। दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर में कहा गया है कि रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी के लिए पीएम मोदी के इवेंट पर 2.5 करोड़ से ज्यादा पैसे खर्च कर डाले। TOI की ये रिपोर्ट एक RTI पर आधारित है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार RTI से पता चलता है कि वंदे भारत ट्रेनों का प्रचार एक महंगा सौदा साबित हुआ है। आंकड़ों के अनुसार अकेले दक्षिणी रेलवे ने क्षेत्र में वंदे भारत ट्रेनों के लिए 2 लॉन्च कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कुल 2,62,60,367 रुपये खर्च किए। विशेष रूप से इन आयोजनों में 8 अप्रैल को चेन्नई कोयम्बटूर वंदे भारत और 25 अप्रैल को तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत शामिल थी। RTI कार्यकर्ता अजय बोस द्वारा दायर RTI आवेदनों के जवाब में दक्षिणी रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रेलवे ने चेन्नई में आयोजित वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च करने के लिए कुल 1,14,42,000 से अधिक रुपए खर्च किए, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस राशि में से 1,05,03,000 से अधिक रुपए का भुगतान इवेंट मैनेजमेंट के लिए नियुक्त एजेंसी इवोक मीडिया को किया गया है। इसके अलावा दक्षिणी रेलवे के तिरुवनंतपुरम डिवीजन ने तिरुवनंतपुरम कासरगोड वंदे भारत के लिए तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी द्वारा आयोजित लॉन्च कार्यक्रम को संभालने के लिए मैत्री एडवर्टाइजिंग वर्क्स लिमिटेड नामक एक इवेंट मैनेजमेंट फर्म की सेवाएं लेने के लिए 1,48,18,259 रुपये खर्च किए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज 13 जुलाई को कहा कि संसद भारत सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के लिए बजट तय करती है। हर कार्यक्रम योजना का एक अलग मुख्य बजट होता है। जयराम रमेश ने कहा कि अब 19 मई 2023 को एक अभूतपूर्व कदम में वित्त मंत्रालय ने आदेश दिया है कि विभिन्न विभागों मंत्रालयों में विज्ञापन और प्रचार के लिए संसद द्वारा तय किए गए धन का 40% केंद्रीय संचार ब्यूरो के हिस्से में रखा जाना चाहिए, यानी वो 40% बजट राशि अब CBC के पास आ जाएगी। CBC सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के तहत काम करता है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा अनुमोदित 2023-24 के लिए CBC का बजट 200 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्रालय के 19 मई 2023 के आदेश से चालू वर्ष के लिए CBC का बजट अचानक अब 750 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। जयराम रमेश ने कहा कि स्पष्ट रूप से CBC ये बजट 2024 आम चुनाव के दौरान मोदी सरकार के चुनाव अभियान पर खर्च करेगी। CBC एक सुपरस्टार है जो PM और प्रचार मंत्री की धुन पर नाच रहा है, लेकिन इस प्रचार मशीन के पास पर्याप्त धन नहीं था। अब इस सर्जिकल स्ट्राइक के साथ CBC के पास पैसा आ जाएगा, क्या ये वास्तव में दुरुपयोग नहीं है? इसके साथ उन्होंने कहा कि बहरहाल कर्नाटक की 40% कमीशन सरकार की तरह मोदी सरकार को भी उखाड़ फेंका जाएगा। इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी का कहना है कि यह हैरान करने वाला है, सरकार ऐसा कैसे कर सकती है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यह स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में सरकारी प्रचार निधि का राजनीतिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग किया गया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के निवर्तमान अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने 6 मई को पुलिस पूछताछ के दौरान 6 महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के सभी आरोपों को खारिज कर दिया। ब्रजभूषण ने उन आरोपों को झूठा और निराधार बताया जिसमें कहा गया है कि पहलवानों की सांस लेने की जांच करने के बहाने भाजपा सांसद ने उनके स्तन और पेट को छुआ। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार जांच समिति की सुनवाई के दौरान एक पहलवान ने आरोप लगाया कि ब्रजभूषण ने उनके स्तनों और पेट को 3-4 बार छुआ और उसके सांस लेने के तरीके की लगातार आलोचना की। हालांकि ब्रजभूषण ने आरोप से इनकार किया है और कहा कि सांस लेने का सही तरीका बताते हुए उन्होंने अपना पेट छूकर दिखाया था। ब्रजभूषण ने MC मैरी कॉम की अगुवाई वाली समिति को बताया कि वो याद करने में असमर्थ हैं कि घटना कहाँ हुई थी, लेकिन एक टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने एक अन्य महिला पहलवान और एक कोच ने सोचा कि शिकायतकर्ता मुकाबले के दौरान गलत निर्णय क्यों ले रही है।
ब्रजभूषण ने जांच समिति को बताया तो हमने बात की कि उसका सांस लेने का तरीका उल्टा है। ब्रजभूषण ने कहा, मैडम मैं इसका शिकार हो चुका हूँ, एक घटना घटी थी, मेरे बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, मैं लगभग 20 साल तक ठीक से नहीं सो पाया था, इसके बाद मैंने योग की शरण ली, मुझे बताया गया कि चूंकि मेरी सांस लेने का पैटर्न उल्टा है इसलिए मैं सो नहीं पा रहा हूँ। ब्रजभूषण ने बताया, पहलवान और कोच ने उनसे उल्टे सांस लेने के पैटर्न का मतलब पूछा, तब मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा और उन्हें दिखाया कि जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलना चाहिए और जब हम सांस छोड़ते हैं तो पेट सिकुड़ना चाहिए। उस क्षण सभी ने अपनी श्वास की जांच की। जब शिकायतकर्ता आई तो मैंने उससे कहा, बेटा तुम्हें भी योग करना चाहिए। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर ने फेडरेशन के अध्यक्ष और बीजेपी नेता ब्रजभूषण को महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न में मदद की। इंडियन एक्सप्रेस ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के हवाले से लिखा है कि तोमर को 6 शिकायतों में से 2 में सह अभियुक्त बनाया गया है। इसमें कहा गया है कि तोमर ने जानबूझकर ब्रजभूषण के लिए ऐसा माहौल बनाया जिसमें उनके लिए महिला पहलवानों का यौन शोषण आसान हो जाए। इसमें कहा गया है कि तोमर ने यह सुनिश्चित किया कि जब महिला पहलवान ब्रजभूषण से मिलने जाएं तो वहां कोई ना हो। तोमर ने ऐसा जानबूझकर किया, इसका एक साफ मकसद था। एक मामले में उन्होंने एक महिला पहलवान के पति को वहां नहीं रहने दिया, एक दूसरे मामले में एक कोच को उन लोगों से दूर रखा गया। ये सब ब्रजभूषण के दिल्ली के अशोका रोड स्थित घर और उससे लगे दफ्तर में हुआ था। अब तक की खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।